Hi friends, today we studied instruction of AIB exam. बहुत सारों ने कहा है कि हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए आज मैं हिंदी में आपको AIB के इंस्ट्रक्शंस और उसके किस तरह से उसको आपको यूज़ करना है. लास्ट वीक है एग्ज़ाम का, 26 को एग्ज़ाम है AIB की. तो इस एग्ज़ाम के सिर्फ 7 डेज़ में किस तरह से आप पास आउट हो सकते हो, किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, इसके कुछ फॉर्मूलाज क्विकली मैं आपको देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. फर्स्टली वी नो अबाउट एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस. सबने अपने अपने एडमिट कार्ड AIB के वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे. नहीं किए हैं जिन्होंने, वो प्लीज़ AIB के वेबसाइट पर जाके अपने अपने एडमिट कार्ड अपनी लॉगिन में जाकर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर अपना ID नंबर डालकर लोड कर ले और उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख ले, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए कंपलसरी है. एडमिट कार्ड के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ब्रीफ में. एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ रखना होगा अपने साथ एंड एडमिट कार्ड रखना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलेगी. डिपेंड है, हर सिटी में अपने अपने टाइमिंग सेट किए हुए हैं जो आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगे. आपको वहाँ पर जाते समय अलाउड किया गया है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप वहाँ पर कोई भी बुक ले जा सकते हो, कोई भी एनी बुक्स कैरी कर सकते हो. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल्स, लैपटॉप नॉट अलाउड. सख्त इंस्ट्रक्शन है कि वो अलाउड नहीं है AIB एग्ज़ाम सेंटर में. और तो और इसमें ऑप्शनल एग्ज़ाम है, वहाँ पर सिलेक्शन करके आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर सेलेक्ट करना होता है. उसके लिए आपको बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है. आंसर शीट आपको किसी को भी वहाँ पर हेर फेर नहीं करना है. सेक्शंस हो गए वहाँ पर, जो भी कैंडिडेट होगा जहाँ आपकी एग्ज़ाम पूरी ख़त्म हो जाए तो आंसर शीट आप अपने कोऑर्डिनेशन को दे सकते हो. और इसमें वहाँ पर जो एडमिट कार्ड एंड फिल इन द रिस्पेक्टिव ओएल्स, उसमें मिसमैच होते हैं आपके एडमिट कार्ड के नंबर, सीरियल नंबर या आपका जो रोल नंबर आया है वो, और आपके आंसर शीट पे जो आप रोल नंबर डालोगे वो मिसमैच होना नहीं चाहिए, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. क्वेश्चन बुकलेट कोड एंड रोल नंबर करेक्टली लिखना है आंसर शीट पे आपको. जिसने 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम के लिए लिया है उस कैंडिडेट को अपने साथ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, जो अपने इन्विजिलेटर को वहाँ पर दिखाना होगा आपको. एंड आल्सो लास्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन के,